मध्य प्रदेश के झाबुआ में आरएसएस कार्यकर्ताओं की पिटाई के मामले में एसडीओपी पर गाज गिरी है। पेटलावद के एसडीओपी राकेश व्यास को इंदौर के आईजी दफ्तर में अटैच कर दिया गया है, साथ ही थाना प्रभारी को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में शौचालय निर्माण लक्ष्य से काफी पीछे रहने पर कलेक्टर का गुस्सा फूट पड़ा। कलेक्टर ने जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही अगर हालात नहीं बदले तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ब्रॉडगेज परियोजना का पहला चरण पूरा हो गया है। इसके साथ ही सुकरी तक पैसेंजर ट्रेन भी चलने लगी है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया। भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने के गोदाम में रखे 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को जलाया जाएगा। कचरा जलाने और फैक्ट्री परिसर की सफाई पर मध्य प्रदेश सरकार 310 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने तय किया है कि अगले साल से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राएं वेस्टर्न कल्चर के गाउन और टोपी की जगह कोई भारतीय परिधान पहने। इसके लिए सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों से उच्च शिक्षा विभाग ने सुझाव मांगे हैं। राजस्थान के राजसमंद में झील में डूबकर एक शख्स की मौत हो गई। 25 साल का युवक अपने दोस्तों के साथ झील पर नहाने गया था। 18 घंटों की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने शव को झील से बाहर निकाला। राजस्थान के सूरतगढ़ में स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक पर धरना देकर ट्रेनों की आवाजाही को ठप कर दिया। धरना दे रहे लोग सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर के बीच रात के वक्त ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग कर रहे थे। राजस्थान के जोधपुर में सेंट्रल जेल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग जेल की रसोई गैस पाइप लीक होने से लगी। आग तेजी से फैली जिससे 3 कैदी बुरी तरह झुलस गए। राजस्थान के पुष्कर में पुलिस ने देह व्यापार के लिए यहां लाई गई 4 लड़कियों समेत 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर कल पुष्कर बाईपास से पुलिस ने 2 लग्जरी कारों में सवार इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के अजमेर में इन दिनों लोग एक बंदर के आतंक से परेशान हैं। ये बंदर अब तक 40 से ज्यादा लोगों को हमला कर घायल कर चुका है। ये बंदर कल शहर के एक स्कूल में घुस गया जहां इसने एक बच्ची को घायल कर दिया। अब पूरा प्रशासन इस बंदर को पकड़ने में लगा है।